हेलो गाइस, मैं हूं सदा। आज की इस वीडियो में हम लोग पुराने मोजे से खरगोश यानी कि रैबिट बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से आपको ढेर सारा कॉटन लेना है और मोजे पे इस तरह से भर देना है जब तक मोजे अच्छी तरह से फूल ना जाए। उसके बाद हाथों से प्रेस करके इसे अच्छी तरह से शेप में लाना है। अब एक धागे से आपको ऊपरी हिस्से को कुछ इस तरह से बांध लेना है। और एक्स्ट्रा धागे को आपको सीजर से काट लेना है। फिर और एक धागा लेना है और ऊपरी भाग में कुछ इस तरह से बांध लेना है। और उसकी भी एक्स्ट्रा पार्ट को सीजर से काट लेना इस तरह से। अब मोजे के इलास्टिक वाला भाग को कुछ इस तरह से सीजर से काट लेना है। अब इसे सीजर से काटना है, खरगोश की कानों की शेप में लाना है कुछ इस तरह से। तो आपको भी सेम प्रोसेस पे इस तरह से कट करना है, जैसे कि खरगोश का कान रहता है उसी शेप में इसे आपको कट करना है। तो देखिए, ये खरगोश की कान जैसे शेप में कट चुका है। अब आपको एक वाइट कपड़ा अंडे के शेप में इस तरह से काट के उस पर ग्लू लगाना है, और ग्लू लगाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह खरगोश की बेली पे चिपकाना है। तो मैं यहाँ पे चिपका के आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये चिपकाना है। तो इस तरह से आपको चिपकाना है और काफ़ी अच्छे से आपको प्रेस कर देना है जिसमें वो उठ ना जाए। अब एक वाइट कपड़ा इस तरह से राउंड शेप में लेना है और उसके ऊपरी भाग में खरगोश की नाक और मुंह बना देना है, और पिछले हिस्से में इस तरह से ग्लू लगाकर चिपका देना है खरगोश के मुंह के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह से ये चिपक गया है। आपको भी सेम प्रोसेस में चिपकाना है, काफ़ी अच्छे से चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो ये खुल जाएगा। अब खरगोश की आँखें बनाने के लिए छोटी छोटी राउंड शेप में इस तरह से कपड़े को काटना है। अब खरगोश की आँख वाली पोजीशन में इस तरह से ग्लू लगा देना है पहले, क्योंकि ग्लू नहीं लगाएंगे तो चिपकेगा नहीं। उसके बाद जो राउंड शेप में कपड़ा कटा हुआ है आँख की शेप में, उसे यहाँ पे इस तरह से चिपका देना है। तो दो साइड पे आपको इस तरह से आँखें को चिपका देना है। तो देखिए, खरगोश की आँख बनकर रेडी हो गई। अब आपको इस तरह से एक रिबन ले लेना है, ये हर जगह पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी ये खरीद सकते हो। उसके बाद इसको आपको थोड़ा लंबा करके इस तरह से काटना है सीजर से। तो पहले मैं काट लेता हूँ। उसके बाद खरगोश की गले पे कुछ इस तरह से बांध लेना है, और अच्छा से बांधना है ताकि देखने में काफ़ी बढ़िया लगे। तो इस तरह से फूलों की तरह आपको डिज़ाइन करके इसे गीट देना है। तो इस तरह से ये बाउंड कर देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपकी खरगोश हो गई बनकर तैयार।